हे गाइस, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी कैबिनेट्स है वो कितनी गंदगी हो रखी है, उसमें चिपचिपाहट हो रखी है। और इसमें मैंने सोल्यूशन अप्लाई करा और ये सोल्यूशन अप्लाई करते ही जो कैबिनेट्स है वो एकदम क्लीन हो चुकी है और जितना भी गंदगी थी वो सारी स्पॉन्ज में आ चुकी है। उसके बाद ये देख सकते हैं जो ये वुड है मेरी, ये इतनी मोटी परत इसमें गंदगी की जम चुकी है। अगर इसमें ढंग से इसे क्लीन करती तो ये पूरी वुड खराब हो जाती। तो इसमें लगाया मैंने सोल्यूशन और ये देखिए, ये भी इस एकदम इरेजर होता है ना उसकी तरह काम करेगा और जितनी भी गंदगी थी वो सारी निकल चुकी है। और मोस्टली जो वुड वाले कैबिनेट्स होते हैं किचन में, इसी टाइप की गंदगी उसमें जम जाती है, जिसे हमें क्लीन करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। पहाड़ी स्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजाता। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने किचन के कैबिनेट्स को क्लीन कर सकते हो। तो जो किचन की कैबिनेट्स होती हैं, अगर आप उसे बहुत टाइम से क्लीन ना करो ना, तो वो मतलब उसमें एक मोटी सी परत जम जाती है और वो इतनी चिपचिपी हो जाती है ना, अगर आप उसे सर्फ से क्लीन करोगे, मतलब सॉरी डिटर्जेंट से क्लीन करोगे, डिश वॉश से क्लीन करोगे, नहीं होगी क्लीन। और क्लीन भी नहीं होगी, आपके जो प्लाईवुड है, वुड है, वो भी ख़राब हो जाएगा। तो मैं आज आपको एक सिंपल तरीके से बताऊँगी कि कैसे आपको अपनी किचन की कैबिनेट्स को क्लीन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। बट ना, वीडियो शुरू करने से पहले ना, मैं बहुत टाइम से आपके साथ शेयर करने चाह रही थी कि मैं कैसे मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करके भी अपनी बचत कर सकती हूँ। देखियो, एक ही महिला होती है जो दूसरी महिला का दर्द समझती है। मैं रियली बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। मैं क्या, मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स ऑनलाइन शॉपिंग करते, तो उनकी शॉपिंग भी मैं ही करती हूँ ज़्यादातर। तो मैं जो शॉपिंग करती हूँ ना, उसी शॉपिंग से मैं बहुत अच्छी बचत भी करती हूँ। वो कैसे, तो जो बचत है ना वो बहुत सीक्रेट है और आप भी वो बचत कर सकते हैं। वो ये है दोस्तों कि मैं जो शॉपिंग करती हूँ वो कैश करो। दोस्तों, कैश करो इंडिया की नंबर वन वेबसाइट है जो आपको कैशबैक देती है। यस, रियली कैशबैक देती है। और मतलब ऐसा नहीं है कि आपने शॉपिंग चाहे 100 रुपीज़ की करो, चाहे 250 रुपीज़ की करो, चाहे 1500 की, आपको कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि 1 या 2%, बहुत अच्छे अमाउंट में आपको कैशबैक मिलता है। मतलब अभी जैसे आजियो में डिस्काउंट चल रहा था, उसमें 15% था। इससे पहले मैंने भी फ्लिपकार्ट में देखा, उसमें 7.7% जो डिस्काउंट मिल रहा था। तो मैंने ऐसे करके ना कम से कम 4000 रुपीज़ 2 बार के इकट्ठे कर लिए। मतलब 2000 एक बार, 2000 एक बार, मेरे जो उसमें अकाउंट में वो इतना इकट्ठे हो चुके थे कि उसको मैंने दोबारा बैंक ट्रांसफ़र करा। आप उसे बैंक ट्रांसफ़र भी क्या, आप उसे उसके माध्यम से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ये नहीं कि ये आपको सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग पे ही मिलेगा, इससे बहुत सारी वेबसाइट जुड़ी हैं। चाहे आप मेक माई ट्रिप ले लो, चाहे आप उसमें खाना मंगा लो स्विगी वगैरह से। तो चलिए पूरी डिटेल्स इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद वीडियो शुरू करेंगे। कैश करो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे से कैश करो डाउनलोड कर लीजिए और इस प्रकार का पेज इसमें ओपन होगा। डाउनलोड करते हुए आपको आईडी डालना है, चाहे फेसबुक से कनेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार का पेज ओपन होते हैं, इसमें काफ़ी सारे डिस्काउंट आपको मिलेगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बिग बास्केट, गो आई बी गो, ओयो, आजियो, तो सब में अलग अलग प्रकार का कैशबैक आपको मिलेगा। जिस भी टाइप की आपकी शॉपिंग करना चाहते हो उस टाइप की शॉपिंग आप कर सकते हो। तो मैंने फ्लिपकार्ट ओपन कराया है, तो इसमें मुझे 7.7% अभी डिस्काउंट्स या कैशबैक मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये मेरा पेज ओपन हो चुका है, आपने मैंने लॉगिन कराया। नहीं लॉगिन है तो आपको अपनी जो आईडी है वो लॉगिन करनी है। तो यहाँ पे से आप अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने ये विश लिस्ट में मेरा पहले से एक प्रोडक्ट था वो डला हुआ था, तो मैं इसे बाय करूँगी। तो इसे आप बाय करेंगे तो मैं कैश ऑन डिलीवरी कर रही हूँ। दोस्तों, जब भी आप कैश ऑन डिलीवरी भी करेंगे ना, तो भी इसमें आपको कैशबैक मिलेगा। और वेबसाइट्स में क्या होता है कि आप कैशबैक तो मिलता नहीं है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में क्या पता आपने बाद में ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो इसीलिए ये होता है इसमें, आप कैश ऑन डिलीवरी में भी आपको कैशबैक तो पहले मिल जाता है, ऑर्डर आपको बाद में मिलता है। तो ये मैं यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी कर रही हूँ और इसमें ये भी होता है कि जब आपको बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, उसको आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकती हैं। तो देखिए, मैंने ऑर्डर कर लिया है, ऊपर से मैसेज भी आ चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो इसमें नीचे प्रोफाइल में जाके आप देख सकते हैं कि मेरी इतनी अर्निंग हुई है। तो यहाँ पे जो मेरी अर्निंग हुई है ये अभी शो नहीं करेगी, ये पहले की पड़ी हुई थी, क्योंकि इससे पहले की थी वो मैंने यूज़ कर ली थी। तो इसको आने में कम से कम 5 मिनट्स लगते हैं, ये कैशबैक आपकी अर्निंग में आ जाएगा। तो मैंने इसलिए आपके साथ शेयर करेंगे, आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हो, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी मनी शेविंग करें और बहुत ढेर सारी शॉपिंग करें।
तो जो पहला सलूशन है दोस्तों, अगर आपके कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा चिपचिपे हैं तो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 चम्मच आपको लेना है यहाँ पे डिश वॉश। तो जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उतनी क्वांटिटी में आप इसे बना सकते हैं। तो 2 चम्मच डिश वॉश लेने के बाद 2 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ खाने का सोडा, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप खाने में बेकिंग में यूज़ होता है ये। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक पेस्ट हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। पहले मिक्स होने के बाद जब ये पेस्ट तैयार हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है विनेगर। तो दोनों की क्वांटिटी मैंने 2-2 चम्मच रखी है, तो विनेगर मुझे यहाँ पे लेना है 4 चम्मच। तो विनेगर डालते ही इसमें बहुत अच्छा रिएक्शन होगा, जो आपकी गंदगी होती है किचन में, जो चिपचिपी चिपचिपाहट आपके कैबिनेट्स में होती है, वो आराम से इसे क्लीन कर लेगा। तो जितनी भी चिपचिपाहट वाली चीज़ें हैं किचन में, आराम से साफ़ हो जाएगी आपके इस सॉल्यूशन से। तो ये बनके एकदम तैयार हो चुका है और ये एकदम आइसक्रीम की तरह लग रहा है, बट आइसक्रीम नहीं है ये। तो ये तैयार हो चुका है, अब इसे हम अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी कैबिनेट्स कितनी ज़्यादा चिपचिपी हुए। तो ये ऊपर का फ्लोर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी हो जाती है, चाहे आप एग्जॉस्ट फैन लगाएं, चाहे आप कितनी भी अच्छी चिमनी लगाएं, ये होता ही होता है। और देखिए इसे अप्लाई करते ही जो मैं लगा रही हूँ ये एकदम इरेजर की तरह काम कर रहा है और सारी गंदगी स्पॉन्ज में आ रही है। आप देख सकते हैं जितने एरिया में मैं लगा रही हूँ एकदम से साफ हो जा रहा है। और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है कि आप आराम से इसे घर में बना सकते हैं। जो मेरी कैबिनेट्स है आप देख सकते हैं सारी गंदगी स्पॉन्ज में आ चुकी है। अब मैं एक साफ कपड़े से आपको करके बताऊं कि देखिए कपड़ा भी आराम से बिल्कुल क्लीन है, सारी गंदगी स्पॉन्ज ने ले ली है, कपड़ा भी एकदम साफ हो चुका है। और ये देखिए आप, स्पॉन्ज ही मेरा गंदा हुआ है। तो ये था दोस्तों कि जो अगर आपके कैबिनेट्स इस टाइप की बहुत ज़्यादा चिपचिपी हैं उसके लिए ये सोल्यूशन मैंने आपके लिए बताया। जो दूसरा है कि इससे आप अपनी चिमनी को भी क्लीन कर सकते हैं, चिमनी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा खाना बनता है। तो इसे भी मैंने सिंपल अप्लाई करा जिस एरिया में, देखिए आप मैं अप्लाई कर रही हूँ, एकदम अप्लाई करना है और एकदम से साफ हो जाएगा ये। और चिमनी वहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी डिफरेंस नज़र आ रहा है कि जहाँ पे क्लीन करा है वो एकदम नई लग रही है और पीछे का जो पार्ट है वो एकदम येलो लग रहा है। उसके बाद जो होता है कि जो चिमनी के बगल में आपकी कैबिनेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है क्योंकि खाने की जो भाप होती है वो ज़्यादातर उसमें लग जाती है। और आप देख सकते हैं वो एरिया बहुत मतलब चिपचिपाहट भरा हो जाता है। तो इसमें भी आपको सिंपल सा ये सोल्यूशन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जितनी भी गंदगी होगी वो स्पॉन्ज ले लेगा, उसके बाद आपको किसी नॉर्मल कपड़े से इसे साफ कर देना है और जो आपकी कैबिनेट्स है वो एकदम नई जैसी हो जाएंगी, मतलब एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगी जो आपकी कैबिनेट्स है। तो इससे आपकी जितनी भी चिपचिपेट वाली चीज़ें हैं किचन में वो आराम से साफ हो जाएगी और देख सकते हैं एकदम नई जैसी लग रही है ना। उसके बाद मैं आपको जो दूसरा सोल्यूशन बता रही हूँ, अगर आपकी वुड इस टाइप की है तो उसके लिए आपको क्या लेना है, तारपीन वाला तेल, जो आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी आप अगर पेंट शॉप में जाएंगे उसको बोलेंगे तारपीन वाला तेल दे दीजिए, वो आपको आराम से दे देगा। इससे आप पेंट ब्रश वगैरह क्लीन करते हैं तो वो वाला ये तारपीन ऑयल है। ये आपके जो भी गंदगी होती, जितनी भी मोटी परत होगी, पुराने से पुरानी परत होगी आपकी गंदगी की चिपचिपाहट वाली, वो आराम से साफ हो जाएगी। तो इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा लेना है, जितनी जगह पे आपको साफ करना है उतनी ही क्वांटिटी में आप इसे ले लीजिए। और अराउंड ऑफ 40 से 50 रुपीज़ की ये बॉटल आ जाती है और बहुत काम की बॉटल है ये। और जो मोस्टली आपने देखा होगा जो वुड वाले फर्नीचर्स होते हैं, वुड वाली जो कैबिनेट्स होते हैं, उसमें इस प्रकार की ज़्यादा जम जाती है। अगर ये जो कैबिनेट्स हैं अगर आपके किचन में है वुड वाली तो आपकी यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होगी। अगर आप इसे डिटर्जेंट से साफ़ करेंगे तो बिल्कुल साफ़ नहीं होगी, साफ़ तो 1% हो भी जाएगी, जो आपका वुड की पॉलिश है ना वो एकदम ख़त्म हो जाएगी और आपका वुड जो है उसकी चमक हट जाएगी, वो वाइट वाइट सा दिखेगा। तो आपको सिंपल सा इसे अप्लाई करना है एक हल्के से स्क्रबर की सहायता से। हार्ड वाला स्क्रब लेंगे, ब्रश वाला लेंगे तो वो आपकी वुड पे स्क्रैच पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैंने स्क्रॉच वाइट वाला ले रखा है जिसका कोई भी मतलब इतना हार्ड नहीं है कि इससे निशान पड़े। तो देख सकते हैं मैंने हल्का सा स्क्रब करा, स्क्रब करने के बाद मैं इसे कपड़े से साफ कर रही हूँ तो आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं।
सारी गंदगी उस वाइट कपड़े में आ चुकी है और ऊपर नीचे आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ चुका है। वही स्थिति ना ये इस जो बगल में मिरर है उसकी भी ऐसी हो रही है और ये आप कितना भी साफ करो ये बहुत हार्ड वाला जो गंदगी है वो जमी हुई है इसमें। तो यही जो ऑयल है मैं इसे यहाँ पे स्क्रब की सहायता से इसमें भी अप्लाई कर रही हूँ। ये कितनी भी पुराने से पुरानी जमी हुई मैल वगैरह को साफ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। तो इसे तो अपने घर में आप जरूर ला के रखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे अप्लाई करा, उसके बाद मैं एक कपड़े से इसे क्लीन कर रही हूँ। आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना साफ हो चुका है, सारी गंदगी निकल चुकी है। अगर मैं इसे डिटर्जेंट से साफ करती बिल्कुल नहीं होता। और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितनी शाइन आ चुकी है ऊपर नीचे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो क्या करना है यार, एक लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।